बच्चों, आज हम अपने व्याकरण पुस्तक के पेज नंबर 8 में दिए गए प्रश्न संख्या 2 और 3 को करेंगे। इसे हम पहले कर चुके हैं, आज इसे हम पुनः दोहराएंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें रिक्त स्थान को, खाली स्थान को भरना है। क, हमारे देश की राष्ट्रभाषा, यहाँ पर हम हिंदी भरेंगे, है। ख, भाषा लिखने के ढंग को, यहाँ हम लिपि भरेंगे, भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ग, मलयालम भाषा, केरल, यहाँ पर हम केरल भरेंगे, राज्य में बोली जाती है। घ, हिंदी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है, यहाँ हम भरेंगे देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 3, नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। जो वाक्य सही है उसके आगे सही का निशान लगाएंगे और जो वाक्य गलत है उसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। क, भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, यह सही है तो उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ख, आंध्र प्रदेश में तमिल भाषा बोली जाती है, यह गलत है, इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। ग, पत्र का लिखना लिखित भाषा कहलाता है, यह कथन सही है तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। घ, उर्दू भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, यह कथन गलत है तो इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग, भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, यह सही है तो इसके आगे सही का